काश के इसकी जगह सही मोतदिल मुतवाजिन आदलाना निजाम खिलाफत उसका कोई नमूना हम दुनिया के सामने पेश कर दें। इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ हमारी जिम्मेदारी है, सारी नौ इंसानी के हम मकरूज हैं कि हमारे पास हिदायत है लेकिन हम उस पर खजाने का सांप बनकर बैठे हुए हैं, न खुद अमल करते हैं न दूसरों के सामने नमूना पेश करते हैं। यह खिलाफत की तहरीक इसीलिए है, ये सारे निजाम को बदलना पेश नजर है। आखिरी बात, कामिल कानूनी मुसावात, यह भी लिखा हुआ है, यहां करीब है, पढ़ी भी जा रही है बात। कोई सदर मुमलकत, कोई खलीफतुल मुस्लिमीन कोई तरजीही हुकूक नहीं रखता। अभी आप सुन चुके हैं जनरल साहब से भी, कानूनी तौर पर कामिल मुसावात यह नहीं है कि सदर अमरीका अदालत में तलब नहीं किए जा सकते। कर्नल ओलिवर नॉर्थ की जो है जान पर बनी हुई है, हियरिंग्स हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, झूठा फरेबी ये कर्नल, हालांकि दर हकीकत असल फरेबी, असल बदमाश वो रेगन बैठा हुआ व्हाइट हाउस में ऐश कर रहा है, हुक्म तो उसका था, वो तो अदना गुलाम था, लेकिन नहीं, उसे तहफुज हासिल है, वो अदालत में नहीं आ सकता। ये कहां जाएंगे, अभी इनकी रसाई नहीं है वहां तक जहां मोहम्मद अरबी ने पहुंचाया था नौ इंसानी को 1400 बरस कबल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफिदाहु आबाउना व उम्महातुना, वहां खलीफा वक्त भी पेश होता था, मुद्दई की हैसियत से भी, मुद्दा आले की हैसियत से भी, उसे अपने कुर्तों का हिसाब देना पड़ता था कि कहां से बना है, कोई तहफ्फुज़ नहीं था कि मैं खलीफा हूं मुझसे कहां पूछ सकते हो, वो निजाम किसी के लिए कोई तहफ्फुज़ नहीं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये जो भी कोई खैर खूबी कहीं पैच वर्क में नजर आ जाती है, यहां कोई है रोशनी, यहां कोई रोशनी है, यहां कोई आजादी है, यहां थोड़ी सी मुसावात है, ये जो भी खैर नजर आता है, हर कुजा बीनी जहां ने रंगोबू आंख या खाकश मरो या दारजू या ज़े नूरे मुस्तफा उरा बहास या हुनूज अंदर तलाशे मुस्तफास। अभी तो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहुंचाया था नौ इंसानी को, अभी तो इंसान उसकी गर्द को नहीं पहुंच पाया। निजाम खिलाफत में हमारे यहां तो वो तमाशा भी हो गया था, किसी MPA साहब से किसी पुलिस ऑफिसर ने कुछ बातपुरस कर ली, कयामत आ गई, जलजला आ गया, गोया के उन्होंने कहा हमने करोड़ों यूं ही खर्च किए, हमने ये सारी धांधलियां यूं ही की थी, हमने आपके हर झूठ को सच इसलिए किया है कि हमारी इज्जत का तहफ्फुज़ ना हो। और मौजज़ा हुआ पार्लिमानी जमहूरियत का कि एक बात वो थी कि जिस पर हुकूमत की पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों मुत्तफिक, इसलिए कि लूट मार में तो दोनों मुत्तफिक है। लूट मार का हाल तो यह है कि कहा जाता है कि बीवी क्या कर रही हो, क्यों ये गंदे कपड़े बाहर लाकर धोने शुरू कर दिए, अपने साथियों को देखो उनका भी यही हाल है। ये नहीं कहा कि हम पाक हैं, ये कहा कि अगर हम नापाक हैं, अगर हमने लूट मार की है तो तुम्हारे साथी भी लुटेरे हैं। गोया कि निस्फुल्ली व निस्फुल्लक,